तो 57 में एक करारदाद पास हुई जो जिसकी कापी भी मेरे पास है। हर करारदाद जो है वो पिछली करारदादों को उसका इयादा करती है कि ये हमने पहले फैसला किया, ये हमने पहले फैसला किया, और अब हम ये फिर इसको दोहराते हैं, फैसला करते हैं। मकसूद 23 करारदादें जब हुई तो पिछली करारदाद का जिक्र लाजमी होता था, लाजमी हर करारदाद में पिछली करारदादों का जिक्र होता था। और ये जो करारदाद थी 2 दिसंबर 1957 की है, एडॉप्टेड ऑन द 808th मीटिंग बाय 10 votes to none। 10 वोटें इसके हक में आईं, सारे जो परमानेंट मेंबर थे उन सब ने इसके हक में वोट दी, किसी ने इसके खिलाफ वोट नहीं दी। 8 यानी इवन देन इंडिया ने भी इसके खिलाफ नहीं दिया। Adopted at the 808th meeting by 10 votes to none with one abstention, Union of Soviet Republic। रूस ने कहा मैं ना इधर वोट देता ना उधर वोट देता, किसी ने मुखालफत नहीं की। यही कैफियत आपको हर उसमें नज़र आएगी। अब इससे पहले जो ये है रेजोल्यूशन ऑफ 24 जनवरी 1957, उसमें है ये सारी जो रेजोल्यूशन पहले हुई हुई है, वो कहते हैं वी रीअफर्म द एफर्मेशन इन इट्स रेजोल्यूशन ऑफ 1951, और ये सारा कुछ करके डिक्लेयर दैट द कन्वीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज रिकमेंडेड बाय द जनरल काउंसिल ऑफ ऑल जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एनी एक्शन दैट असेंबली मे हैव टेकन और माइट अटेम्प्ट टू टेक to determine the future shape and affiliation of the entire state or any part thereof or action by the parties concerned in support of any such action by the assembly would not constitute a disposition of the state in accordance with the above principles। agar ye india karna chahta hai aur wahan ki assembly se pass karwana chahta hai to jo kuch india kar chuka hai ya karne ka irada rakhta hai usko hum tasleem nahi karte। प्लेबिसिटी होगा और जो करारदादें पहले हैं उसके मुताबिक होगा, और फिर वो जो है वो न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के तहत होगा और सारी रियासत का बैक वक्त होगा। दिस इज़ 1957 जनवरी 1957। इसमें भी आप देखते हैं कि अडॉप्टेड ऑन द 765 मीटिंग बाय 10 votes to none विद वन एब्सटेंशन यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, सिर्फ उन एब्सटेन किया, इंडिया ने भी यस किया, पाकिस्तान ने भी यस किया, बाकी जो चार बड़ी पावर्स थी उन्होंने भी किया,